ये बात तो सभी जानते हैं कि मान्यता दत्त संजय दत्त की तीसरी पत्नी है। इससे पहले संजय दत्त ने ऋचा शर्मा और फिर रिया पिल्लई से शादी की थी, लेकिन मान्यता से शादी की तो लोग तमाम तरह की बातें करने लगे थे। हालांकि मान्यता ने लाइफ के हर उतार चढ़ाव में संजय दत्त का साथ दिया और ये साबित किया कि किसी के काम से उन्हें जज करना नहीं चाहिए। मान्यता दत्त से शादी करने के बाद संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा से हुई बेटी त्रिशाला को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। त्रिशाला और मान्यता दत्त के रिश्तों की डोर कभी कस जाती तो कभी ढीली हो जाती और मान्यता को काफी वक्त लगा त्रिशाला के साथ वो रिश्ता बनाने में जो उनका उनकी सगी माँ के साथ था। आपको बता दें कि त्रिशाला शुरू में मान्यता को आंटी कहकर पुकारा करती थी, लेकिन मान्यता के प्यार और समर्पण से आखिरकार उन्होंने फासले को खत्म कर लिया। आपको बता दें कि नव भारत की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्थानम के प्रमोशन के दौरान मान्यता ने इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा, वो मेरा एक सफर है जो मैंने मान्यता आंटी से लेकर माँ तक तय किया है। 12 साल पहले मैं त्रिशाला के लिए मान्यता आंटी थी, लेकिन आज माँ हूँ। मुझे उस पर गर्व है। वो हमेशा मुझे मैसेज करती है, हम लगातार टच में रहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस बॉन्डिंग से। संजू और त्रिशाला की आइडियोलॉजी अलग है, हालांकि दोनों के बीच गहरी बॉन्डिंग है और संजू एक सख्त पिता है। वेल, वो कहते हैं ना, अगर आप सच्चे दिल से अपनों के लिए या अपनों के साथ के रिश्तों के लिए दिल से कुछ भी करते हैं तो जीत हमेशा आपकी होती है। भले ही त्रिशाला को मान्यता को एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, लेकिन उन्होंने मान्यता को एक दिन जरूर अपनाया और ये मान्यता के प्यार, केयर और अंडरस्टैंडिंग का ही नतीजा है कि वो त्रिशाला की आंटी से माँ बन गई। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।